शाग्रिति चोपड़ा और आपका स्वागत है मायापुरी कट में। और मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और हम दोनों मिलकर लेकर आ गए हैं आपके लिए भेड़िया फिल्म का ट्रेलर रिव्यू। जी हाँ, फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अब हम दोनों आपको बताएंगे कि हमें वो ट्रेलर कैसा लगा। कि कुशाग्रिति, बिल्कुल देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये ट्रेलर अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मुझे ना कुछ चीज़ ऐसे लगे कि जैसे क्या होता है कि उसको भेड़िया काट लेता है और वो भेड़िया बन जाता है। मेरे को ये चीज़ें समझ नहीं आई, जैसे कभी होता है ना कि कोई नागिन बन रहा है या क्या हो रहा है, कितनी कितनी चीज़ें ऐसे देखने को मिली है। एग्जैक्टली, तो कितनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो एक और चीज़ एक आ गई है, भेड़िया वाली चीज़ें। अभी तक तो हमने नागिन के बारे में सुना था और अब मेरे को ये भेड़िया के बारे में भी सुनने को मिला है, तो ये मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे तो अब नहीं अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा, आप बताओ। देखिए, बात ये है कि वरुण धवन को इंडस्ट्री में पूरे हो चुके हैं 10 साल, बिल्कुल, उसकी खुशी में आज ट्रेलर रिलीज हुआ है। हालांकि अगर मैं बात करूं वरुण धवन की, तो मुझे जो उनका जितनी भी फिल्में आई है, बहुत ऐसी कम फिल्में रही है, जैसे अक्टूबर हो गई, बदलापुर हो गई, बड़ी ही कम फिल्में जिनमें मुझे उनकी एक्टिंग नजर आई है। तो अगर मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं, जैसा कि अभी कुशाग्रिति ने बोला कि भेड़िया काट लिया और वो भेड़िया बन गया, जैसे स्पाइडरमैन को स्पाइडर ने काट लिया था और वो स्पाइडरमैन बन गए थे, तो बड़ी ही क्लीशे से चीज थी। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि हॉलीवुड फिल्मों में भी हम ऐसी ही चीजें देखते हैं। बिल्कुल, पता नहीं कितनी सारी सीरीज और फिल्में आई हैं जिनमें हमने यही चीजें होती हुई देखी हैं, तो कोई नई चीज तो नहीं है। और बॉलीवुड है भाई, तो हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ फनी मोमेंट्स थे, क्योंकि एक हॉरर थ्रिलिंग कॉमेडी इस टाइप की फिल्म है, तो जो कॉमेडी मोमेंट्स थे मुझे वो पसंद आए, लेकिन बाकी जो स्टोरी है मुझे इतनी नई नहीं लगी। और बात करूं कृति सैनन की, तो जब उनका लुक आया था तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी वो, लेकिन अभी थोड़ी डिफरेंस ही लग रही थी, एक अलग अवतार में लग रही थी। ऐसा लग रहा है कि उनपे वो लुक ना इतना सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना हमने देखा है उनको, इतनी सारी मूवीज करी है उन्होंने, मुझे वो बहुत ज्यादा प्रिटी लगती हैं। बट मुझे इस मूवी में ना ही वरुण इतने अच्छे लगे हैं, ना ही कृति इतनी अच्छी लगी है, क्योंकि वरुण धवन तो मुझे बहुत ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, बट इस मूवी में बहुत ही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस मूवी से, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है। और जैसे कि सृष्टि ने कहा कि ऐसी टाइप की मूवीज हम हॉलीवुड में भी देख चुके हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना नहीं अच्छा लगेगा जब ये मूवी रिलीज होगी। अभी अभिषेक बैनर्जी भी है फिल्म में और आई लव अभिषेक बैनर्जी, मुझे वो बहुत पसंद है मिर्जापुर में कंपाउंडर के रोल में। और अभी स्त्री जो मूवी आई थी, सेम डायरेक्टर अमर कौशिक ने ही वो फिल्म डायरेक्ट की थी, तो उसमें भी वो थे, तो मुझे बड़ा मजा आता था उनको देख के। लेकिन अभी मुझे लगने लग गया है कि वो सेम तरह के किरदार प्ले करने लग गए हैं इस तरह की मूवी। तो मेरे को इतना नहीं अच्छा लग रहा है। मैं, अगर मेरे से अगर कोई पूछे कि मैं इस चीज़ को कितनी रेटिंग दूंगी कि आउट ऑफ 5, तो मेरे को तो ये लग रहा है 2.53 में, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा नहीं लगी है। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, आपको मुझे ट्रेलर ऑल ओवर मैं बोलूंगी मुझे ठीक लगा, क्योंकि आजकल अब जैसे मैंने ऊंचाई का ट्रेलर देखा था, मुझे अच्छा लगा ट्रेलर, बट मुझे नहीं लगता कि मैं वो फिल्म देखने जाऊंगी, क्योंकि शायद मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो इस तरह की फिल्म बहुत ज्यादा एंजॉय करे पैसे खर्च करने के बाद। लेकिन मुझे कॉमेडी फिल्में थोड़ी पसंद है। अब पूरा जो बेस, जो पूरी स्टोरी है, वो तो इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, बिल्कुल ही क्लीशे है, बिल्कुल जो हम देख चुके हैं वही जैसा चलता आ रहा है वैसा ही इसमें भी चलेगा। लेकिन मुझे जो फनी पंचेस थे वो देख के बड़ा मजा आया। अभिषेक बनर्जी, जैसा मैंने बोला कि वो हमेशा ऐसे रोल करते हैं, लेकिन मजा आ रहा था देख के। तो कुछ कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं कह रहे खर्च करके मैं ये बोलूंगी कि मैं नहीं जाऊंगी देखने, लेकिन हाँ OTT पर जब फिल्म रिलीज होगी तो मैं सबसे पहले देखूंगी। बिल्कुल, ये ठीक है। ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ज्यादा बोरिंग होने वाला है या कुछ है। कुछ कुछ सीन्स मुझे अच्छे लगे हैं, जैसे मुझे आया, मुझे लगा कि यार ठीक है ये चीज फनी थी। बट हाँ, ऑल ओवर अगर हम मूवी या ट्रेलर की बात करें, मूवी तो अब जब रिलीज होगी तभी पता चलेगा, बट हाँ ट्रेलर की बात करें तो मुझे इतना नहीं लगा है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, बाकी वो तो आपको ही देखने को पता चलेगा जब मूवी रिलीज होगी। जी, तो फिल्म जो है वो 25 नवंबर को रिलीज हो रही है। कुशाग्रिति, अभी आपने कितने स्टार्स दिए थे? मैंने दिए थे 2.53 के बीच में, बिकॉज ये तो मेरा ही था, बाकी आपको क्या लगता है वो तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा है। तो मेरी तरफ से भी 3 स्टार्स फिल्म आती है, तो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। अब ये तो रहा हमारा रिव्यू, हमें ये ट्रेलर कैसा लगा ये हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आपको हमें बताना है कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, तो ये बताना हमें बिल्कुल भी मत भूलिएगा कॉमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी जो भी वीडियोस आती है उसको शेयर करें, लाइक करें, सबके साथ बताएं कि कैसा है। और हाँ, जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये रिव्यू। एंड कीप वॉचिंग अस ओनली ऑन मायापुरी कट।